गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है छुट्टी का दिन, मंडे, लेकिन फिर भी छुट्टी है क्योंकि आज है मेमोरियल डे वीकेंड। तीन दिन की छुट्टी थी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तीन दिन किया क्या। तो बहुत ही बेकार मौसम था पिछले दो दिन, बहुत बारिश हो रही थी, और घर पे ही आपको कुछ कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं कि हमने किया क्या। और आज क्योंकि बारिश अभी तक तो नहीं है, चांसेस क्लाउडी है, लेकिन मैंने कहा चलो बॉस्टन और करते हैं कवर फ्रीडम ट्रेल, जो कि थोड़ा आपको बॉस्टन डाउनटाउन के नज़ारे भी दिखाते हैं और देखते हैं कि फ्रीडम ट्रेल क्या है, वो सब आपको दिखाते हैं। तो चलिए, हम लोग हैं ऑन द वे टू बॉस्टन, और बहुत ही अजीब सा मौसम है क्योंकि क्लाउड्स हैं और काफ़ी फॉग है, फॉगी है। बट आप यही मौसम इंडिया में जो है वो हिल स्टेशन में जाके देखना चाहते हो और आपको यहाँ पे यू नो डे टू डे में मिल रहा है, तो क्या बुरा है। तो लेट्स सी, चलते हैं और किस तरह से, ये तो बारिश शुरू हो रही है। तो कैसे अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली और कितनी, और बॉस्टन का उसमें क्या बड़ा रोल था, यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि बॉस्टन के जो अच्छे अच्छे फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे सैम एडम्स, उसको सैम एडम्स बियर के लिए आजकल ज़्यादा जाना जाता है, बट द रियलिटी इज के ही वॉज वन ऑफ द बिग फ्रीडम फाइटर्स। एंड ऑफ कोर्स पॉल रिवेरा, जिसके बारे में अनीश बताएगा आपको। सो ये सब बातें करेंगे आपके साथ एज वी गो अलोंग टू बॉस्टन। तो चलिए, इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था, और ऑब्वियसली एक्चुअल इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली थी 1947 में, बट जो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई थी वो हुई थी 1857 में। तो वेरी वेरी सिमिलर माइलस्टोन के बॉस्टन यूएस को जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो मिली तो 1776 में थी, लेकिन जो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई थी वो यहाँ बॉस्टन से हुई थी, और उसके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल मैं जरा पार्किंग कर लूं। शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी वॉर में, सिविल वॉर में जितनी भी वॉर्स अमेरिका ने की हैं उस पर याद करने का दिन है उन सब हीरोज़ को। और इनकी याद में आप देख सकते हो कि सारे फ्लैग्स लगाए हैं जस्ट टू यू नो
रिमेंबर ऑल दोज पीपल। और बॉस्टन कॉमन्स कैसे शुरू हुआ थोड़ा उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। सो बॉस्टन कॉमन्स जो है वो 1600 से बहुत पॉपुलर रहा है। यहाँ पे शीप्स और कैटल सबसे पहले ग्रेज होते थे और यहीं पे ही मिलिट्री का बेस भी यहीं पे ही बना हुआ था। सो बॉस्टन कॉमन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि बॉस्टन कॉमन्स जो है वो काफ़ी फेमस रहा है ग्राउंड। अब बहुत ही जितने भी पॉपुलर लोग थे जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर और पोप जॉन पॉल टू, सब ने जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कराउजल भी है। बट द की इज़ के यहाँ पे इट्स अ पार्क विच हैज़ अ सिम्बॉलिक फील टू इट कि जितने भी पॉपुलर लोग आते हैं वो बॉस्टन कॉमन्स में। दिस वॉज लाइक द फर्स्ट पब्लिक ग्राउंड। हाँ येस दिस इज़ व्हाट आई रिमेंबर्ड। सो दिस इज़ द फर्स्ट पब्लिक पार्क ऑफ अमेरिका बॉस्टन कॉमन सबसे पहला है। सब हम लोग जा रहे हैं फ्रीडम ट्रेल की स्टार्टिंग पॉइंट पे। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ट्रेल का स्टार्टिंग पॉइंट कोई ऐसा है कि यहाँ से फ्रीडम ट्रेल फ्रीडम की फ़ाइट शुरू हुई थी, बट दिस इज़ जस्ट अ लॉजिस्टिकली गुड पॉइंट। काफ़ी इवेंट्स जो हुए थे वो इसके आसपास हुए थे तो इट जस्ट बिकम्स अ गुड कॉमन ग्राउंड टू स्टार्ट ऑफ। ओके सो प्रशांत ने हिस्ट्री तो बता ही थी बॉस्टन कॉमन्स की, बट आज की दिन में वापस आते हैं एंड लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव हियर। यहाँ पे है फ्रॉग पॉन्ड जो कि समर्स में बच्चों के लिए पूल बन जाता है, मिनी पूल, एंड पीपल हैव किड्स हैव फन हियर, दे जस्ट रन अराउंड, देयर आर फाउंटेन्स जो कि चलते हैं, एंड देन उसी के पीछे पार्क है। आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी गाइस, बट आई कैन सी वहाँ पे पीछे पार्क है अगेन। आज मेमोरियल डे वीकेंड है और आई थिंक कोविड के बाद हम पहली बार इतने सारे बच्चे देख रहे हैं वहाँ पे पार्क में। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी समर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, कुछ कैंप्स बच्चों के, कुछ एक्सरसाइजिंग कैंप्स चलते हैं, पीपल आर हियर फॉर रन, वॉक, बाइकिंग। लास्ट टाइम वी सॉ वेडिंग टू, स्पेशली अब कोविड में जब इंडोर वेडिंग्स नहीं हो सकती, चर्च में कंस्ट्रेंट्स हैं नंबर ऑफ पीपल, तो पीछे एक ऑल्टर है जहाँ पे दे डू वेडिंग्स हैं। सो या और आओ यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड करो समर्स में, जब पीक समर्स हो तो किड्स कैन एंजॉय द फ्रॉग पॉन्ड, अपना वहाँ पे जा सकते हैं खेलने के लिए, पार्क में पिकनिक कर सकते हो, और आस पास बहुत सारी शॉप्स हैं, स्मॉल रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, सो अ लॉट टू एक्सप्लोर। बेसिकली पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो बॉस्टन कॉमन में। बॉस्टन इज़ वेरी हिस्टोरिक, अगर देखा जाए द काइंड ऑफ बिल्डिंग्स जो हैं यहाँ पे दे आर रियली ओल्ड एंड काफ़ी यूरोपियन कल्चर रिफ्लेक्ट करती हैं। जगह जगह पे इतने स्टैचूज मॉन्यूमेंट्स हैं गिविंग यू द हिस्ट्री व्हाट द सिटी हैज गॉन थ्रू और व्हाट सिटी हैज सीन थ्रू एंड कैसे बिल्डअप हुई है शुरू से लेकर अब तक। अ लॉट टू विजिट, अ लॉट टू नो, समबडी रियली वॉन्ट्स टू कम एंड अभी हम लोग जिस जगह पे हैं दिस इज़ वेयर द फ्रीडम ट्रेल स्टार्ट्स। यहाँ पे फ्रीडम ट्रेल शुरू हुई थी और बॉस्टन का जो रोल है ना अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टी पार्टी जिसे कहते हैं, मैं आपको ये भी बताऊँगा टी पार्टी क्या है, बट रेवोल्यूशन जैसे मैंने आपको इंडिया का एग्जांपल दिया था कि 1857 वाज अ टी थिंग, उसी तरह से बॉस्टन टी पार्टी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और उसके बाद जो है ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तो इसमें काफ़ी चीज़ें काफ़ी जाने भी गई थी। आई टेल यू कि कैसे जलियांवाला बाग को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस इंडिया की, वैसे यहाँ पे एक जलियांवाला बाग टाइप का इक्विवेलेंट भी है जिसको बॉस्टन मैसेकर कहते हैं, तो वहाँ जाके देख। so,
they had to give the taxes to the British government from what they all earned. And I'll talk to you about one more fact about the patriarchs, that one famous person in the patriarchs was Paul Revere, which we will be talking about more about him when we reach.